नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू रूपरंग नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग देखेंगे कि ब्रिक पैटर्न फाइन टेक्सचर्स में आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले सरफेस प्रिपरेशन की बात करेंगे। आपकी एग्जिस्टिंग वॉल है, उसको आपको पूरी तरह से ग्राइंडिंग करना पड़ेगा वॉल का। उसके बाद जहाँ जहाँ पे आपके डेंट्स है वहाँ पे आप कोरस पुट्टी से उसको फिल कर लीजिए, और उसके बाद आप एक स्मूथ कोट लगा लीजिए टेक्सचर पेंट में, जिससे आपका सरफेस जो है वो पूरी तरह से स्मूथ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको एब्रो टेप से मेजरमेंट्स लेके ब्रिक्स का जो हाइट है वो आपको हाइट सबसे पहले प्लेन एब्रो टेप लगा के लेने हैं। उसका हाइट आपको जो रखना है कांस्टेंट हाइट, वो हाइट से आप मेजर करके हर एक जगह पे आप एब्रो टेप लगा के ले लीजिए। मास्किंग टेप जो होते हैं तो उसमें 0.50 mm का एक साइज़ होता है, 0.75 mm एक होता है, और 1 inch का एक एब्रो टेप होता है। तो आपको जो साइज़ पसंद है वो साइज़ आप उसमें कर सकते हो। जितनी छोटी साइज़ करोगे उतना वो प्रीमियम दिखेगा। उसके बाद आपको टॉप कोट अप्लाई करना है उस शेड में, और एक बार टॉप कोट अप्लाई करने के बाद आप फिर उसके ऊपर से टेप निकाल सकते हो। तो ये जो मटेरियल हमने यूज़ किया है इसमें ये फाइन टेक्स है, फाइन टेक्स मटेरियल। आप इसी मटेरियल में काफ़ी अलग अलग टाइप के टेक्सचर्स भी क्रिएट कर सकते हो। तो फाइन टेक्स बेसिकली एक एक्रेलिक मटेरियल होता है, वाटर बेस्ड प्रोडक्ट, जो कि डिज़ाइन किया होता है एक इंटरमीडिएट कोटिंग की तरह एक्ट करने के लिए। अगेन अगर आप इसके बेनिफिट्स देखोगे तो माइनर जो आपके हेयरलाइन क्रैक्स होते हैं वो क्रैक्स आपके सरफेस में ढक जाते हैं टेक्सचर के मटेरियल से। और टेक्सचर के मटेरियल की अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करोगे तो ये काफ़ी लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल होता है मटेरियल। इसका बॉन्डिंग जो सरफेस के साथ हो गया वो लाइफ टाइम आपका बॉन्डिंग हो जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हो टेक्सचर पूरे वॉल के ऊपर करने के बाद इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो आप फाइनल कोट जो है, फाइनल कोट आप ब्रिक के ऊपर पूरा टेक्सचर होने के बाद भी कर सकते हो एक बेटर और फिनिशिंग आने के लिए। Thank you for watching. I hope you like the video.